पुलवामा आतंकी हमले में अश्विनी कुमार काछी के शहीद होने की खबर देर रात को गांव में पहुंची। जानकारी ही मिलते ही परिवार सहित पूरे गांव में मातम छा गया। वृद्ध पिता ने जवान बेटे की शहादत की खबर मिलने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। खुड़ावल निवासी सुक्रू काछी वर्ष के 4 बेटे और 1 बेटी है। बेटी सबसे छोटी और बेटे में अश्विनी सबसे छोटा था, जो CRPF की 35वीं बटालियन का जवान था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सुक्रू ने मजदूरी कर तथा उसकी पत्नी कौशल्या ने बीड़ी बनाकर परिवार का भरण पोषण किया। 2 वर्ष पूर्व जब अश्विनी का चयन CRPF में हुआ तो उसने सबसे पहले माँ से बीड़ी बनाने का काम छुड़ाया। उसने कहा था, माँ मैं कमाने लगा हूँ, अब आपको यह काम करने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष पूर्व जब अश्विनी का चयन CRPF में हुआ तो उसने सबसे पहले माँ से बीड़ी बनाने का काम ही छुड़ाया। उसने यह भी कहा था कि वे परिवार के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो नौकरी में थे और परिवार के अन्य सदस्य अभी मजदूरी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी की शादी की बात लगभग तय हो गई थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त दिलीप पटेल ने बताया कि वो शुरू से CRPF में जाना चाहता था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।